तो ये है गाइस कम से कम 20-25 साल पुराने कैमरे। तो गाइस रिजल्ट है सामने, 640 मार्क्स आए हैं 700 में। कांग्रेचुलेशंस आप। और कल रात को ना गाइस एक कांड हो गया। सुबह सुबह घर पे चल रही हैं सफाइयां और मैं अभी उठाऊं। सबसे पहले हम लोग खाएंगे बादाम अपने, और निधि भी यहाँ पे सफाइयां कर रहे हैं, मम्मी भी। तो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। तो अभी हम आप लोगों को ऐसी चीज दिखाने वाले हैं जिसे देख के हमें तो नॉस्टैल्जिया फील हुआ ही हुआ, आपको भी हो जाएगा 101%। कुछ ऐसी चीजों को देख के जो पुरानी यादें ताजा हो जाती है ना, वो वाली चीजें दिखाता हूँ। ये देखो क्या मिला है हमें घर पे भाई, खोल के दिखाता हूँ भाई। एक आप खोले मैं बोलता हूँ। तो ये है गाइस कम से कम 20-25 साल पुराने कैमरे। इसमें ना तो कोई मेमोरी कार्ड डलता है, फोटो वगैरह क्लिक करोगे ना तो वो आप किसी मेमोरी कार्ड में, पेन ड्राइव में, फोन में कहीं भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये है रील वाला कैमरा, इसमें रील डलती है। रील डाल के फोटो खींच के फिर जाते थे लैब पे और वहां से फोटो लेके आते थे भाई। क्या बात है, बड़ा ना अच्छा फील हो रहा है इस चीज को देख। हम इसमें पिक्चर्स क्लिक करेंगे। मैं देख रहा हूँ अगर मैं अभी शॉप पे जाऊंगा इसकी रील अगर मिलती है ना तो इससे मैं फोटोज क्लिक करना चाहता हूँ। वैसे तो हमारे पास फोन है लेकिन फिर भी एक चुल होती है ना किसी चीज को करने की, बस वो चुल है मेरे को। मेरे को ऐसी चीजें बहुत पसंद है, पुरानी बढ़िया है यार। सही है, देखो गाइस नए पड़े हैं, बिल्कुल कैमरे नए पड़े हैं। ये कम से कम 25 साल पुराने कैमरे हैं। आप लोगों के पास भी है तो कमेंट सेक्शन में। यार हर किसी के पास ना कुछ पुराना होता है, आप अपनी मम्मी पापा से पूछना, उन्होंने भी कुछ ना कुछ संभाल के रखा होगा। इधर हमारे घर वालों ने ये चीजें संभाल के रखी हुई है, पर इसमें वीडियो नहीं बनती है, इसमें सिर्फ फोटोज क्लिक होती है। तो अगर तो वीडियो बनती होती ना, वो भी मजे आ जाते ना यार, फिर मतलब इसमें ब्लॉग बना के देखते कैसा बनता है। ये देखना इस कैमरा। क्या कर रहे हो आप, कहाँ करते हो? मम पिया नहीं है आपने अभी? सारा दिन इधर देखना कैसे है। नहीं करना। और कल रात को ना गाइस एक कांड हो गया छोटा सा। मम्मी सो रहे थे और मम्मी ये वाले रूम में सो रहे थे। हमारे ना कुछ दिन से एक दो चूहे घूम रहे घर पे और मम्मी के ना काट गया। कहाँ है मम्मी, दिखाना। गायब हो गया फिर भी मम्मी डॉक्टर नाल एक कंसल्ट करके ना आपको इंजेक्शन वगैरह पूछ लेने। अगर टेटनस वगैरह तो नहीं लगवाना, टेटनस तो नहीं लगवाना पड़ता, पर एक बार पूछ ले, मैं राहुल नू गल कर लेना। मम्मी की पता हुंदा वा चूहे नू दंदी वड्डी है। मम्मी चाहे दर्द होवे चाहे ना होवे, एदा सी इन्नी जोर दे इन्ने तिखे दंद ऊपर से नहीं मिलने। मुंह जाने तो लग गया ना। ओ कहां, ओ कहां चढ़ गए, कहां मनीषा को बुला रहा है। इसको लगता है कि मनीषा ऊपर है लेकिन मनीषा गई हुई है क्लास लगाने के लिए अपनी। निशानी है की देख दी कार। अच्छा आजा नीचे चलिए, आजा किसी कार खड़ी है बाहर मैं जो लोग कहते हैं ना कि मुंबई और दिल्ली में गर्मी है, एक बार प्लीज लुधियाना आओ और आप लोगों को हम गर्मी के हाल दिखाएं। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और अभी निकले थे, गाड़ी बहुत गंदी हो रखी थी तो मैंने सोचा यार गाड़ी धुलवा लाता हूँ, आगे भी ध्यान देना पड़ता। मैं ज्यादा ही मस्त हो जाता हूँ यार जो व्लॉग बनाता हूँ। जो कैमरा है ना हमारा उसकी रील्स लेने चलेंगे, देखते हैं मिलती है कि नहीं, आई होप मिल जाए। ओ देख के जी लगदा भाई कह रहा वा गड्डी कितों चिक्कड़ चुक्कड़ जो काट के लेके आए हो है ना। ये ना गाड़ी काफी टाइम से खड़ी हुई थी, चलाई नहीं, मशहूर हो गए आप पता है, सुन नहीं सकते। अच्छा ओ ओ गॉड ब्लेस यू। लो भी गई तो अपनी जो है गाड़ी धुल के तैयार हो गई है,
और पहचान में नहीं आ रही कि वही गाड़ी है। गन्ने का रस पीते हैं यार, बहुत गर्मी हो रखी है। और यार जो दुकान थी ना यहाँ पे वो मेरे को मिल ही नहीं रही है, देखते हैं मिलती है तो ठीक है, एक और कैमरे वाली दुकान बताए नहीं तो फिर चलेंगे घर यार। मेरे हिसाब से 50-60 रुपए की रील के पीछे ना 200-300 का तेल फूंक दिया हम लोगों ने। तो भाई जूस आ गया अपना, निधि व्लॉग देखेगी ना तो बोलेगी यार आप जाते हो और अकेले अकेले खा पी आते हो, पर अभी गर्मी लग रही थी बस इसलिए। मिस यू निधि। एक हूँ इतने शॉप सी तो उन्होंने पूछा वो कहते कि यार घंटा घर मिलेगी उरे नहीं मिलनी कितने भी, तो गड्डी च घंटा घर जाना मतलब मौत बराबर। सो स्कूटरी चकते हैं घरों फिर या किसी और दिन देखते हैं। अभी जस्ट मैं ऊपर वाले कमरे में आई हूँ यानी कि स्टूडियो में, और स्टूडियो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है तो मेरे को अभी जस्ट इसकी क्लीनिंग करनी है। और ये जो अलमीरा जतिन की है इसको मुझे यहाँ से उठाना है, तो इसको जो है दोबारा से खोल के सेट करना है ताकि इसको मैं बेड में रख सकूँ, और पूरा जो इतना खलारा पड़ा है इसको मैं क्लीन करूँ सबसे पहले, क्योंकि मेरे को खलारा देख के ऐसा होता है ना दिमाग ख़राब होता है, तो सबसे पहले मैं क्लीनिंग करूँ। गाइस आज आ रहा है आदू का रिजल्ट और मैं हूँ भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड, और एक्साइटेड के साथ मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, पता नहीं क्यों। रोल नंबर बताओ। एक सेकंड, मेरे फोन में आधे घंटे से ट्राई कर रहे हैं, साइट ही नहीं चल रही थी, तो अभी एक ये इंडियन एक्सप्रेस की साइट थी उस पर चेक हो रहा है रिजल्ट, किसी से पूछा हमने तो अभी चेक करते हैं। चलो हाँ बोल। 2413 640 700 ऐसे। तो गाइज रिजल्ट है सामने, 640 मार्क्स आए हैं 700 में से। आपके 700 से आते हैं? 700। ओके कांग्रेचुलेशंस, आपके भाई के 91% आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आपके मतलब कितने आए थे? मेरी छोड़ो यार, मेरा हाँ। मेरी बात गई, अब उसका टाइम है हाँ। पर उसको ना मतलब 95 तक का था, मैंने उसको प्रॉमिस करा था कि अगर तेरे 95% आते हैं ना तो मैं तेरे को लैपटॉप गिफ्ट करूंगा। चलो अभी तो वो स्कूल में होगा ना, अभी तो उसको पता नहीं होगा, उसने मेरे को रात को मैसेज किया हुआ था, दीदी मेरा रिजल्ट आएगा सबसे पहले मेरा रिजल्ट देख के हाँ मेरे को बता देना, और अगर मेरे 95% आए तो मेरा लैपटॉप लेते आना, बच्चे होते ना जैसे बच्चा मैंने उसको 12th के बाद लेके देंगे, अभी तो 11th 12th कर ले है ना। आपको भी कांग्रेचुलेशन, कभी आपका भी रिजल्ट चेक करेंगे डुगू हम। हाँ जी ऐसे ही चेक करेंगे आपका रिजल्ट, ठीक है। तो अभी हम लोग ना चेक कर रहे थे कि मार्क्स किस में से कम हुए, आउट ऑफ 100 है मार्क्स, तो इंग्लिश में थोड़े कम हो गए 83 आए हैं, और हिंदी में मात खा गया 80 आए हैं। हिंदी बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसे बोलता था शुरू से ही, मैं 10th तक पढ़ लू हिंदी, मैं नहीं हिंदी पढ़ सकता, इसको हिंदी और संस्कृत में ना थोड़ा सा हार्ड टाइट है। मैथ में भी चलो 5 मार्क्स कम है लेकिन 2-3 मार्क्स खींच सकता था यहाँ पे, और साइंस ठीक है 98, सोशल में भी 99 ठीक है, संस्कृत में 89, यहाँ भी 5-6 मार्क्स खींच सकता था, चलो कंप्यूटर में भी ठीक है, इंग्लिश में भी थोड़े, इंग्लिश और हिंदी में मात खा गया, इंग्लिश में भी खींच सकता था थोड़े बहुत मार्क्स, इंग्लिश का ही मेरे को हो रहा है। मेरे हिसाब से इंग्लिश में 10-12 मार्क्स और खींच सकता था, और हिंदी में भी 12 तो खींच ही सकता था, मतलब 24-25 मार्क्स और बढ़ सकते थे इसके ना। चलो मेरे जो मामा सो रहे हैं उनके बेटे का भी आज ही रिजल्ट आया है, वो भी 10th में है ना, उसके आए हैं 659 है ना, और आदू के आए हैं 640, थोड़ा थोड़ा फर्क है पर दोनों को कांग्रेचुलेशन। हाँ दोनों को भाई कांग्रेचुलेशन, और ऐसे ही मेहनत करो 11th 12th में, बढ़िया मन लगा के पढ़ाई करो और नीट क्लियर करो अपनी। शाम के 5:45 हो गए गाइस, और अभी खाना खा के खत्म करा है, और आज गाइस मच्छर ही काटे जा रहा है बहुत ज्यादा है ना, पता नहीं क्या है अचानक से इतना मच्छर क्यों, ऑल आउट हमारे कमरे में चल रहा है सुबह से लेके अब तक चल रहा है, लेकिन कोई फर्क ही नहीं लगता ना यार ये ऑल आउट ऑल आउट, वो कछुआ छाप लेके आई है मम्मी, फिर भी नहीं कुछ होता, फिर भी नहीं मच्छर इसके ऊपर घूम रहे होते हैं ऑल आउट के। तो अभी निधि जो है खाने की तैयारी कर रही है, क्या बना रहे हो? सैंडविच। सिंपल सा खाने का मन कर रहा है। तो सैंडविच सिंपल होते हैं? हाँ बस वेजेस डाल के मेयोनीज डाल के बंद करके वैसे ही खाने, ना अच्छा। तलने ना कुछ। अच्छा हाँ, मैं अगर जब रोस्ट करती भी हूँ ना तो मैं बिल्कुल घी नहीं लगाती है, वैसे ही पलट के थोड़ा थोड़ा सेक के दे देती हूँ, ठीक है, और खाने में भी बढ़िया और हेल्थ के लिए भी अच्छे, सारी सब्जियाँ ऐड करेगी। वीडियो बंद कर रहा है इधर पीछे आके देखना, बड़ा चलाक हो गया ये आईड निशान, चलो फोटो खींच रहा हूँ आपकी, पाउड बनाओ पाउड बनाओ, आए नहीं मम्मी को पारू कर दो, आजा हग्गू कर दो मम्मी को, जल्दी 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 और अभी ना मेरा एक ये पार्सल आया है, अभी इसको खोलते हैं। क्या मंगवाया है? क्या लग रहा है बताओ?
आई डोंट नो लिक्विड लिक्विड था ये है okay. जो अपनी कार के वाइपर्स में नहीं डलता लिक्विड हाँ वो है ये ना इकट्ठा सस्ता पड़ रहा था अच्छा एक्चुअली मैंने सर्विस वगैरह कराई थी ना जब तो मेरे को वैसे तो दो तीन पाउच उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिए थे साथ में पर फिर वो खत्म हो गए अब मैंने चेक करा था इंटरनेट पे हाँ। तो ये सस्ता पड़ रहा था लिक्विड पूरा ऐसे सही है मैंने कहा यार इकट्ठा मंगवा लेता हूँ नहीं तो बहुत महंगा पड़ रहा था छोटा छोटा पाउच ना और यार मेरे हिसाब से सिर्फ पानी नहीं डालना चाहिए यार वाइपर्स में फिर शीशा भी खराब होता है और वो वाइपर जल्दी घिसते हैं इसलिए ओके गाइस निधि ने जो है ये देख सकते हो सैंडविच तैयार कर लिए हैं बस इसको अब सेकना है ना हल्का हल्का कैसी खाने नहीं हल्का हल्का सा करूंगी है ना हल्के हल्के सेकोगे ना तभी बड़े लगे आज रूम में ही बना रही हूँ खाना बैठ के एक्चुअली अभी एसी लगा रखा है ना इसलिए बढ़िया है यार गर्मी बहुत हो रही है वैसे भी 40 डिग्री ये देख रहा खुद की फोटोज क्लिक कर रहा है यहाँ पे क्या कर रहे थे देखना इसने खुद फोटो क्लिक कर ली होगी गाइस फोटो देखना इसकी क्लिक करी इसने ये क्या किया दीशी इसको कैमरा फ्लिप नहीं करना था ना बस ये बीच वाला बटन दबाना है तो गाइस आज रात को हम डिनर में ये सैंडविचेस खाएंगे देखने में तो यमी लग रहे हैं यार हैं ब्रेकफास्ट वाली चीजें डिनर में खाएंगे आज सही बात है मैं तो इनको बोल रहा था मूंगी मसूरी की दाल बना लो अगर हल्का खाना है कुछ फिर दाल कैंसिल क्यों करी मेरा दोपहर को खुद नहीं कर रहा था गर्मी की वजह से एक तो ना पानी पी के यार पेट भर जाता है गर्मी में ऐसा होता है यार कुछ पीते रहो मैं तो दिन में ग्लूकोन डी शिकंजी और पानी यही पी के दोपहर को आज मैंने खाना लेट खाया वो 6:45 बजे खाना खाया मैंने ना अपनी लाइफ के ऊपर एक पॉडकास्ट टाइप एक बातचीत ही है वो शूट करा था हम लोगों ने तो वो आप लोग बताओ कि इसी चैनल पे देखना पसंद करोगे या मैं सोच रहा हूँ कि एक पॉडकास्ट वाला अलग से चैनल बनाऊं तो उस पे डालूं तो आप वो कमेंट करके मेरे को सजेशन दे देना किसी चैनल पे डाले या दूसरा चैनल बनाए इसके लिए अलग से और एक और हम कुकिंग के लिए एक अलग से चैनल बना रहे हैं एंड मैंने आपको बोला था कि फेसबुक पे भी हम अलग कंटेंट लेके आएंगे उसकी भी तैयारी चल रही है अभी तो उस पे भी आपको देखने को मिलेगा जल्दी ही कंटेंट फेसबुक का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं बाकी ये ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कर देना कमेंट करके बताना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना मिलता जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए टाटा बाय लव यू